रजनीकांत की फिल्म 2.0 की रिलीज डेट से एक दिन पहले सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक कंप्लेन दर्ज की है टू CBFC बोर्ड। आइए देखते हैं क्या है वो कंप्लेन और क्यों। अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 एक मुश्किल में फंसी दिख रही है। सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सेंसर बोर्ड से कहा है कि इस फिल्म में मोबाइल टावर और मोबाइल के होने वाले रेडिएशन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और इस फिल्म के बाद लोगों में टावर्स को लेकर गलत परसेप्शन बन सकता है। इस मामले में वो चाहते हैं कि CBFC इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट न दे। सागा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। आई पर्सनली फील इंडिया से CBFC को हटा दो, कोई जरूरत नहीं CBFC की। बिकॉज CBFC भले ही किसी पिक्चर को सारे राइट्स दे दे चलाने के लिए, उसके बाद भी पिक्चर रिलीज होने से एक दो दिन पहले, जब ट्रेलर आया उस समय नहीं, रिलीज होने से एक दो दिन पहले कोई ना कोई आएगा, कोई बॉडी आएगी और वो बोलेगी नहीं जी ये तो गलत है, ये हटा दो, इससे हमारी फीलिंग्स हर्ट हो रही है, इससे लोग गलत समझ लेंगे। मैं बोलता हूँ जब भी मेकर्स कोई आइडिया भी लेते हैं ना पिक्चर बनाने का, आप अपनी एक स्क्रिप्ट डालो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, Yes और नो की वोटिंग ले लो, अप्रूव्ड और नॉट। अगर अप्रूव्ड की ज्यादा रेटिंग आए पिक्चर बनाओ, अगर अप्रूव्ड की रेटिंग कम आए पिक्चर मत बनाओ। बट व्हाट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट दिस फिल्म इज प्योरली अ फिक्शनल फिल्म, इट इज अ फिक्शनल मूवी, ऑल द कैरेक्टर्स, आई एम श्योर डिस्क्लेमर आएगा मूवी देखने से पहले, हाउ कैन समबडी चेंज अ परसेप्शन आफ्टर वॉचिंग अ फिल्म व्हेन यू वॉच ट्रांसफॉर्मर्स, व्हेन यू वॉच हॉलीवुड फिल्म्स वेयर देयर आर क्रेजी थिंग्स हैपनिंग, फास्ट एंड फ्यूरियस, यू डू नॉट चेंज अ परसेप्शन, यू हैव गॉन टू वॉच अ फिल्म फॉर एंटरटेनमेंट एंड स्पेशली फिक्शनल फिल्म्स लाइक दिस इज जस्ट प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट। अभी इस दुनिया में ऐसा कभी नहीं हो सकता सारे फोन मिलकर एक बड़ा सा ईगल बन जाए या फिर ट्रांसफॉर्मर्स की कार अपने आप को एक रोबोट में बना ले, उसमें लिखा होता है सर फिक्शनल है ये, राइट। खैर समझ में नहीं आता लोगों को, एंड ऐसे एग्जांपल हम लोग बार बार इंडिया में देखते आते हैं। संजू जब रिलीज होने वाली थी तो एक दिन पहले बोलते हैं ये जेल वाला जो सीन है ना, ये आप जेल को गलत लाइट में दिखा रहे हो। PK पिक्चर आई तो उसमें कुछ गलत आ गया कि भाई ये आप इनको गलत लाइट में दिखा रहे हो। एंड मेनी अदर इश्यूज क्रॉप अप लाइक पद्मावती से आए हटा दो एंड लव रात्रि का नाम लव यात्री बना दो, सो ऑब्वियसली देयर आर सम जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स पर है, बट दिस इज कंप्लीटली अनकॉल्ड फॉर बिकॉज आई थिंक फिक्शनल फिल्म है, डायरेक्टर को बहुत पूरा हक है, स्क्रिप्ट राइटर को पूरा हक है, वो अपने इमेजिनेशन से वो क्या लाना चाहते हैं स्क्रीन पर, इट्स द चॉइस ऑफ द ऑडियंस इफ दे वांट टू गो सी द फिल्म लाइक दैट। सागर सबसे एपिक पार्ट ये है, प्रोड्यूसर्स ने इस मूवी को बनाने में इतना पैसा लगाया है, नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स 500 से 600 करोड़ रुपए लगे हैं इस पिक्चर में, लेकिन CBFC ने अप्रूव कर दिया, सब राइट्स ले लिए, आपकी एंड में पिक्चर रिलीज होते एक दिन पहले आंख खुलती है, नहीं जी आप इस पिक्चर को सर्टिफिकेट ही मत दो, रिलीज ही मत होने दो, क्यों? क्योंकि हमारा नुकसान हो जाएगा, लोग तो गवार हैं, उन्हें समझ में आएगा नहीं, उन्हें लगेगा अरे नहीं नहीं फोन नहीं यूज करना। वी मस्ट टेल यू ऑडियंस इज वेरी इंटेलिजेंट, आई एम सॉरी दिस जनरेशन इज टू इंटेलिजेंट, एंड आई थिंक हमें इस इन चीजों को टची और इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, इट्स अ फिक्शनल फिल्म, गो एंजॉय द फिल्म एंड कम बैक।